हमेशा शिकायत करती रहती है मुझसे कि मैं घर में नहीं हूं, मैं नहीं हूं, और खुद को देखो तो पता नहीं कहां चली जाती है। कांतम्मा आती सा काय तो चिल्लाता है साहब? ये तुम्हारा बेबी किधर गई है? है तुम्हें कुछ मालूम है वो किधर जाती है, क्या करती है, कुछ मालूम है तुम्हें? साहब मैं तो मेड सर्वेंट है, हमको काय को बता के जाएगी वो किधर जाती है, क्या करती है? आप तो उसका मर्द, आपको तो उस पर कंट्रोल करना मांगता ना। क्या कंट्रोल करना मांगता है उस पर? है वो हमेशा मुझसे शिकायत करती रहती कि मैं घर में नहीं रहता हूँ। अब देखो ना मैं घर में हूँ ना, तो वो किधर है? साहब छोटी मुंह बड़ी बात। हाँ बोलो। बेबी को मैं पैदा होते देखा तो वो बचपन से जिद्दी है, तो फिर वो प्यार के लिए तरसती है, न माँ का प्यार, न बाप का प्यार, न पति का प्यार। क्या मतलब भाई तुम्हारा? भाई प्यार नहीं करते उसको? है किस चीज की कमी है उसको? हर चीज तो दिया मैंने, बोलो किस चीज की कमी है? एक बच्चे की कमी है इस घर में। एक बच्चा हो जाए तो बेबी हमारी समझ जाएगी साहब। बेबी साहब बेबी को डांटो। डांटने की हिम्मत कैसे करेंगे? क्यों डरते हैं तुमसे? हालात से डरते हैं। मैं समझा नहीं। अपरेश कई बार इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो इनसिक्योर होता है। पैसे की इनसिक्योरिटी नहीं, इमोशनल इनसिक्योरिटी। और ये इनसिक्योरिटी पर हम हमेशा फील करते हैं और इसका तुम भरपूर फायदा उठाते हो, क्योंकि मौके का फायदा उठाना तो तुम्हारी फितरत में शामिल है। अप्रेश तुम हमेशा कड़े मुर्दे क्यों खाड़ते रहते हो? भाई यही तो हमारा काम है। क्या हो गया है? तुमने देखी इसकी रिपोर्ट? मैथ्स में 35, फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 35, बायोलॉजी में 35। तुम्हें मालूम है इसके बारे में कुछ? कल ही मिला होगा और आज बताने वाला होगा। तुम उसकी तरफदारी करना बंद करो मंदिरा। ये रिपोर्ट उसको 5 दिन पहले मिली हुई है। देखो डेट, देखो। क्या बात है मां? ये तुम्हारी पढ़ाई है? डैड ये तो सिर्फ यूनिट टेस्ट है, फाइनल थोड़ी। तो यूनिट टेस्ट में पास होने की जरूरत नहीं होती है? डैड अब मैं आपको कैसे समझाऊं? पास हर सब्जेक्ट। आकाश मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट मुझे सब कुछ समझा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कॉलेज भी ठीक तरीके से अटेंड नहीं करते हो। अटेंड कर रहा हूं ना डैड। क्या खाक अटेंड कर रहे हो? क्या खाक अटेंड कर रहे हो कॉलेज? ये सिनेमा के टिकट्स कहां से आए? तुम अपने दोस्तों के साथ परसों सिनेमा देखने गए थे? वो लेक्चर्स ऑफ थे ना डैड। लेक्चर्स ऑफ नहीं थे आकाश, लेक्चर्स बंक करके तुम गए थे। देखो अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो छोड़ दो सब कुछ, पैसा और वक्त बर्बाद मत करो। Dad, just now tell me what you want. देखो, देखो मंदिरा, तुम्हारा ये बेटा बहुत लंबा हो गया है ना, इसलिए इसकी ज़बान भी लंबी हो गई, बदतमीजी कर रहा है। आप परेशान मत होइए, शांति से ऑफिस जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। तुम कुछ नहीं संभाल पाओगे मंदिरा, कुछ नहीं संभाल पाओगे, मैं हार चुका हूँ। हद हो गई, रुक जाओ। आकाश मुझे आज शाम तक तुम्हारा फैसला चाहिए, आज शाम तक। मेरी तरफ देखो, तुम आगे पढ़ाई शुरू रखना चाहते हो या पढ़ाई छोड़ के हवाली करना चाहते हो? क्योंकि जिस तरह की पढ़ाई तुम कर रहे हो बेटा, उस तरह की पढ़ाई में तुम्हें हवाली की नौकरी भी नहीं मिलेगी, याद रखना। आप शांत जाइए, शांत हो के ऑफिस से। मैं शांत हूँ मंदिरा, मैं शांत हूँ, कितने दिनों से शांत हूँ। ये पकड़ो। आप शांत हो के जाइएगा, देख लिया ना?
सर एक बात मेरी समझ में नहीं, ये अचानक बोर्ड मीटिंग कैंसिल करके कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग रखने का क्या मतलब? मतलब साफ है सागर, बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन प्रेजेंट होते हैं और उन्हें कन्विंस करना शायद इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। और तो और टेक्मेको के एमडी मिस्टर मल्होत्रा को भी मीटिंग में बुलाना पॉसिबल नहीं था, शायद इसीलिए राहुल नहीं आया अभी तक। राहुल भी आ रहा है सर? हाँ सागर, जब बोर्ड मीटिंग हो ही नहीं रही है तो राहुल का मीटिंग में प्रेजेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इज व्हाट इज ओन पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर ऑल इज अ सीनियर जर्नलिस्ट राइट। लीजिए सर, रियली सॉरी मैं लेट हो गया फिर से। एनीवे दो मिनट बचे हैं मीटिंग में, लेट्स प्रोसीड। कम गुड मॉर्निंग। जेंटलमैन, B18 को लेकर आज ये ऑल इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। मिस्टर परमेश्वरन आप ही शुरू कीजिए। यस सर। ऑल द ऑनरेरी मेंबर्स एंड सर, आज हमारे मीटिंग का सिर्फ एक ही मकसद है, B18 ऑयल फील्ड का वेल नंबर 1 और वेल नंबर 2 का वर्क ओवर शुरू करें या नहीं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 18 महीने से टेक्मेको ड्रिलिंग सर्विस का EPF C-Star जो इस जोन में तेल निकालने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठी है, उस रिजर्वायर में कुछ भी नहीं है, वो काली है। एक ऐसा रिजर्वायर जिसमें कुछ सालों से सिर्फ 2 या 4 हज़ार बैरल ही निकाल पाए और कुछ नहीं। सर मैं यहाँ पर एक बात याद दिलाना चाहूँगा। मिस्टर शांतनु रॉय, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट। आपका टर्न आएगा तब आप बोलना। सर मैं मानता हूँ B18 को लेकर बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और सच्चाई तो ये है कि B18 ने हमेशा हमेशा हमें निराश किया है, और इस सच्चाई को मान लेना सबसे बड़ी अकलमंदी है, जो कि हमारे दोस्त मिस्टर शांतनु रॉय बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि तो ये एक सपना देख रहे हैं B18 को लेकर, एक ऐसा सपना जो हिंदुस्तान को क्रूड ऑयल में सेल्फ सफिशियंट कर देगा, वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएगा, न्यूमेरो ऊनो। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि B18 में तेल है ही नहीं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, और ख़ास तौर से ऑयल एक्सप्लोरेशन में ऐसा ही होता है। अगर आप वर्ल्ड ऑयल हिस्ट्री का पन्ना पलट कर देखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे। जेंटलमैन, मैं मिस्टर परमेश्वरन की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि ऐसी दुर्घटना कभी कभी हो जाती है पेट्रो वर्ल्ड में, लेकिन B18 का केस इससे बिल्कुल अलग है सर। B18 में तेल नहीं है ये मानने के लिए मैं हरगिज भी तैयार नहीं हूं, और मिस्टर परमेश्वरन ने जो सपने देखने की बात कही है वो बिल्कुल सच है। हर आदमी ये सपना देखता है कि उसका देश तरक्की करे, खुशहाल हो, आगे बढ़े, और जो ऐसा नहीं करता है मिस्टर परमेश्वरन, आई रियली पिटी ऑन देम। मैं आपको याद दिला दूं मिस्टर परमेश्वरन कि जब इस ऑयल फील्ड की डिस्कवरी हुई थी तब चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस आप थे, और आपको याद होगा कि जब इस ऑयल वेल के 3 इंच के चोक से पर डे 3,000 बैरल तेल निकला था तब आपने ही खुशी से पागल होकर सबसे पहले हेडक्वार्टर्स में फोन किया था। आप शायद भूल गए हैं मिस्टर परमेश्वर, और उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सर। उस प्रेस कटिंग की रिपोर्ट आज भी मेरे पास है मिस्टर परमेश्वर। मैं क्या सोचूं मिस्टर परमेश्वर, वो दिन जो हम सब ने देखा था वो गलत था, या आप आज जो कह रहे हैं वो गलत है? आज अचानक आपकी राय यकायक बदल कैसे गए मिस्टर परमेश्वर? मिस्टर रॉय, एज ए पेट्रोलियम इंजीनियर यू मस्ट नो दैट दिस वॉज अ केस ऑफ फॉल्स प्रोडक्शन। एक छोटे से पॉकेट में थोड़ा सा तेल रिजर्व था जो खत्म हो गया। कमर्शियली एक्सप्लॉयट करने के लिए जितना तेल होना चाहिए था उतना नहीं था। फिर भी COGC ने तो एक बहुत बड़ा रिस्क लिया ही था, उस बैरन फील्ड को एक्सप्लॉयट करने के लिए 2 साल का परमिशन ग्रांट किया था, साथ में एडुकेट फंड भी रिलीज किया था, बट दिस कुड नॉट बी कंटिन्यू। जेंटलमैन, आई हैव सीन द सीस्मोग्राफिक रिपोर्ट्स ऑफ द जोन। मैंने इस केस को बहुत डिटेल में स्टडी किया है।
यहाँ के जियोलॉजिकल पे स्ट्रक्चर को भी मैंने बहुत गौर से परखा है, और सर एक जियोलॉजिस्ट होने की हैसियत से जितनी थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है उसके बेसिस पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ फ्लैश प्रोडक्शन, ये धोखा नहीं है सर। दीज वेल्स सर्टनली डिजर्व अ वर्क ओवर ऑपरेशन, वर्क ओवर ऑपरेशन की जरूरत है सर। सर उस फील्ड को एक्सप्लॉइट करने के लिए आज तक काफी रुपए खर्च हुए हैं सर, अब और रुपए खर्च करना कतई संभव नहीं है सर। नो 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 सर, वी कैन नॉट अफोर्ड टू पोर क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस डाउन द ड्रेन जस्ट फॉर नथिंग। मैं समझता हूं इस ऑयल फील्ड में इतना सारा पैसा बहाना सिर्फ एक बेवकूफी और कुछ नहीं। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर एंड मेंबर्स ऑफ दिस मीटिंग, अगर समस्या सिर्फ पैसे खर्च करने का है तो एज द एमडी ऑफ टेक्मैको मैं प्रॉमिस करता हूं कि इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा टेक्मैको प्रोवाइड करेगा। आई मे इवन गो इन फॉर अ फॉरेन कोलैबोरेशन, जरूरत पड़ने पर हम विदेशी सहायता लेंगे। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या मदद करना चाहते हैं मिस्टर मल्होत्रा? फिर भी अगर आप चाहते हैं तो नो 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 सर, हरगिज़ नहीं। क्यों नहीं मिस्टर परमेश्वर, जब मल्होत्रा जी खुद आश्वासन दे रहे हैं। सर उस स्ट्रक्चर में तेल है, मैंने वहां पर अपनी आंखों से तेल निकलते हुए देखा है सर। आप क्या समझते हैं मिस्टर रॉय, सीओजीसी जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन टेक्मैको जैसे छोटी कंपनी के फाइनेंशियल असिस्टेंट पर निर्भर करेगी है? और आपका इंटरेस्ट तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मिस्टर मल्होत्रा, आपका वो सफेद हाथी सी स्टार जिसे अमेरिका से इंपोर्ट करके आप लाए हैं, अभी तो आपको उसका रिटर्न भी देना होगा ना, इसलिए आप चाहते हैं कि B18 का वर्क ओवर शुरू हो जाए, क्यों? I'm sorry sir, but this is getting personal. No, 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 Mr. Parameshwaran, no personal attacks, please. COGC की भलाई के लिए मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, but I would appreciate if we keep our discussions to professional levels only. I'm sorry sir. मैं तो COGC का एक वफादार कर्मचारी होने के नाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वेल में एक नया पैसा खर्चना नादानी होगी और कुछ नहीं। सर ये भी तो हो सकता है कि वेल्स के कंप्लीशन में कोई गड़बड़ हो। एग्जैक्टली exactly, मैं यही समझाने की कोशिश तब से कर रहा हूं। दिस इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, और ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है कि ऑयल बोर्स ठीक तरीके से क्लीन न किए गए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये सर कि हो सकता है कि उस आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मिस्टर रॉय, यू जस्ट सी द डॉक्टर। आई एम सॉरी सर, आई थॉट दिस वॉज अ मीटिंग, and a meeting I thought sir was a place where one could express their own ideas, it was a brainstorming session where one could express their own views, fir mujhe aisa lagta hai ki mujhe yahan se chalna chahiye। Shantanu Das Sagar, main aap log ka bahar intezar kar raha hu। Completion mein gadbad sunkar aap bigad kyun gaye Mr. Parameshwar, kya aisa nahi ho sakta? Aisa aksar dekha gaya hai aise cases mein। Ridiculous, ridiculous, आप कंप्लीशन की गड़बड़ की बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़ी वेल लॉगिंग कंपनी स्लम बर्जर की रिपोर्ट को आप गलत बता रहे हैं। हमारी आंखों के सामने परफॉर्मेशन किए गए थे वो सब गलत हैं, एक आप है जो बिल्कुल सही है। आई एम सॉरी सर, वी मस्ट स्टॉप दिस, बहुत तमाशा हो चुका है। आई जस्ट बेग यू सर, इस सीओजीसी की खातिर, इस देश की इकोनॉमी की खातिर, फाइनेंशियल ऑपरेशन की खातिर, प्लीज आप इस ऑपरेशन को बिल्कुल स्टार्ट होने मत दीजिएगा। दैट्स ऑल आई वांट टू से सर। हमें तो ऐसा लगता है कि इस मीटिंग का नतीजा पहले से ही तय करके रखा हुआ है, हमें यह बुलाना एक फॉर्मेलिटी था बस, इट्स अ प्री प्रोग्राम्ड आई वॉश। सर अगर लॉजिकली देखा जाए तो लॉजिक जैसा नाम तो मिस्टर परमेश्वरन की डिक्शनरी में है ही नहीं, ये तो अपना लॉजिक खुद बनाते हैं। मिस्टर, व्हाट्स योर नेम? सर सागर। टू प्रूव योर पॉइंट यू डोंट हैव टू बी इंपेचुअस। मिस्टर शांतनु रॉय, आपकी कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत सुना है, B18 के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट भी मैं समझ सकता हूँ, मगर सिर्फ किसी के जज्बात के लिए इतना बड़ा फैसला लेना संभव नहीं है। आई एम सॉरी टू से, आपके अलावा किसी भी ऑफिसर ने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है। वी हैव ऑलरेडी बर्नड आवर फिंगर्स बैडली इनटू दिस प्रोजेक्ट, वी कांट अफोर्ड टू ड्रेन मोर मनी इनटू इट। मिस्टर मल्होत्रा, सीओजीसी विल नॉट रिसॉर्ट टू प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, टेक्मैको को अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल।
टू हार्ट, ऑयल बिजनेस में निराशावादी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म इज द की। ऑन द कॉन्ट्ररी, बी 18 को लेकर मेरे मन में आज तक एक संदेह था जो एकदम साफ हो गया है। अब तो बी 18 के रिजर्वायर में मुझे तेल साफ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी इट। आप सीओजी से में क्या कर रहे हैं मिस्टर रॉय? व्हाई डोंट यू जॉइन अस? हम जनरल मैनेजर के पोजीशन में आपको पाकर धन्य हो जाएंगे। And I don't think I am doing you any favor. I mean it. I respect your feelings. चलो सर। आओ सागर। लंच टाइम हो गया भाई, बहुत जोरों की भूख लग रही है मुझे। बाहर चल के कहीं जम के चाइनीज फूड खाते हैं। मेरी फाइल दूसरी। सागर भाई, तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। तुम इतने दिनों से बी 18 को लेकर बिजी थे। चलो बाहर चलते हैं। क्या हुआ सर? सर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बैठो, सिट डाउन। ये तुमसे किसने कह दिया? हाँ, तुम्हें पता है हमारा कितना फायदा हुआ है इस मीटिंग से? आज तक हम अंधेरे में गोली चला रहे थे। हमारी ये जंग किसके खिलाफ है हमें नहीं मालूम था, लेकिन आज से हमें यह मालूम चल गया है कि हमें किन लोगों के खिलाफ लड़ना है और किस हथियार से लड़ना है। तुम इसे कम अचीवमेंट समझते हो? सर अब हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। बाहर जाकर जम के खाना खाना होगा, घर जाके एक लंबी सी प्यारी सी नींद, उसके बाद उठकर सोचेंगे कि हमें कहां से शुरू करना है। सर आप हर बात को इतना कैजुअली कैसे ले लेते हैं? आप जानते हैं सर, मैं जब भी आपको देखता हूं आपके अंदर एक नए इंसान का आविष्कार करता हूं। सागर, अगर किसी भी किताब के हर पन्ने पर एक ही कहानी लिखी हो तो वो बहुत ही बोरिंग हो जाती है। लाइफ को एंजॉय करना सीखो, उसे जीना सीखो। जिस तरीके से तुम अपनी जीत को एंजॉय करते हो, उसी तरीके से अपनी हार को भी स्वीकार करना सीखो। चलो चलो, बातें बातें कुछ नहीं, बहुत जोर की भूख लगी। चलो सर, चलो आओ, कम ऑन। आपने तो आज कमाल ही कर दिया मिस्टर परमेश्वरन, सबकी बोलती ही बंद हो गई। अरे शांतनु जी, हम आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं। आदमी को उतना ऊंचाई से छलांग मारना चाहिए जहां से गिरकर उसे चोट ना लगे। मिस्टर परमेश्वर, वैसे ऊंचाई का एहसास तो मुझे है। आप यूं कहिए ना कि आदमी को तब छलांग लगानी चाहिए जब नीचे बहुत ही मजबूत और पुख्ता जाल बिछा। परमेश्वरन, एक बात का ख्याल रहे, आदमी कभी कभी अपने बिछाए हुए जाल में ऐसे फंस जाता है कि उसे खुद भी पता नहीं चलता। आई होप यू आर गेटिंग मी। नो,